अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो क्वालिटी सेटिंग्स में जाकर वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, तो 480p पे ऑलमोस्ट ठीक ठाक दिखने लगता है। और दूसरी एक, अगर उसके बाद भी आपकी मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, मैं उसका लिंक जो है यहाँ के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IFS एग्ज़ाम मेंस 2017 का पेपर है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मोड ऑफ ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सेलवाल, मतलब सेलवाल का ओरिजिन और ग्रोथ के बारे में बताइए। नेक्स्ट है, एलो पॉलीप्लॉयडी क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, पॉलीप्लॉयडी उसका दो पार्ट होता है, ऑटो और एलो। एलो के बारे में पूछा गया, उसका क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग सीड क्वालिटी, सीड क्वालिटी को कैसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आप ही सोचिए। तो सीड क्वालिटी को कौन क्या, मॉइस्चर होगा, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, सॉइल का, सॉइल में किस तरह का टेम्परेचर है। इनलिस्ट द एंजाइम रिक्वायरिंग मेटल एक्टिवेटर, कौन कौन से एंजाइम चाहिए मेटल एक्टिवेटर, और ऑलमोस्ट ये कैटलिस्ट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। डिस्क्राइब द केमिकली इंड्यूस्ड मेलिस्टलिटी, कैसे केमिकली इंड्यूस्ड हाइब्रिड्स वगैरह जो यूज करते हैं मेलिस्टलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आप कुछ डिस्टिंग्विश कीजिए कि एपिस्टेसिस और डोमिनेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, और जीन इंटरेक्शन को। ये क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपको स्पेशली मतलब उसके कंटेंट को पता होगा तभी आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। अमंग द सीड सैंपल ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप क्या रिकमेंड करेंगे इन डेटा को, जैसे जर्मिनेशन परसेंट 85 है, प्योरिटी 98 है, जर्मिनेशन 88 है, प्योरिटी 97 है, जर्मिनेशन 91 है, 96 है प्योरिटी, तो आप कौन से क्रॉप को, सैंपल को, डाटा को, कौन से को। देखिए जर्मिनेशन एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और प्योरिटी तो अच्छे होने ही चाहिए, तो उस क्रॉप को हम लोग प्रेफर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्टिंगशन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, उसके सेक्स लिंक्ड सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर में। उसके बाद है सिंक्रोनी इन फ्लावरिंग एंड प्लांटिंग रेशियो ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग एंड प्लांटिंग रेशियो क्या मतलब, प्लांटिंग रेशियो और फ्लावरिंग में क्या मतलब सिंक्रोनस है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम क्या होता है, क्या डिफरेंस प्रोसेस मेडिएटेड बाय फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम से क्या क्या प्रोसेस मतलब फॉलो करते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मॉलिकुलर मार्कर ओवर जेनेटिक मार्कर, मॉलिकुलर मार्कर का जेनेटिक मार्कर से ज़्यादा बेटर मतलब परफॉर्मेंस के बारे में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डिस्क्राइब द सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड क्वालिटी एश्योरेंस इन इंडिया, सीड सर्टिफिकेशन जैसे सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, सीड क्वालिटी को कैसे इंश्योर करते हैं जैसे जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी के हिसाब से। उसका नेक्स्ट है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ पिंचिंग इन क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ कार्नेशन, कार्नेशन फ्लावर्स है उसमें पिंचिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, कि क्योंकि साइड फ्लावर को ज़्यादा ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मैथड ऑफ अगेंस्ट स्टोर,